तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों एकदम गर्मा गर्म सोया चंक्स फ्राइड राइस, जो आज हम 5 मिनट में बनाकर तैयार करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में बचे हुए चावल से ये सोया फ्राइड राइस को बनाना बताऊंगी। और ये सोया फ्राइड राइस को आप पेट भरकर खा भी सकते हैं, ये लंच बॉक्स या टिफिन बॉक्स के लिए बहुत ही जल्दी रेडी कर सकते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जो आज के इस रेसिपी को देखने के बाद कोई भी कभी भी ये फ्राइड राइस को आसानी से बनाकर खा सकता है। और इस चावल को मैंने सुबह में बनाए थे और शाम को बच गया है, और आप देख सकते हो दोस्तों ये फिर भी ये खिला खिला हमारा चावल है। तो आप किसी भी टाइम के बचे हुए चावल से सोया फ्राइड राइस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप दोपहर, सुबह या शाम के किसी भी टाइम का अगर आपका चावल बच गया है तो इस तरह से आप फ्राइड राइस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो ये फ्रेश चावल से भी ये सोया फ्राइड राइस को बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने 150 ग्राम के करीब सोया चंक्स लिए हैं, जिसे मैंने उबालकर इसका सारा पानी अच्छे से निचोड़ करके ले लिया है। और इसे सोयाबीन भी बोला जाता है, तो आपके शहर में इसे क्या बोलते हैं दोस्तों प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले से 2 चम्मच ऑयल को डालकर बढ़िया से गर्म कर लिए हैं। जब आप ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब देखिए बारीक वाली जीरा ऐड करेंगे। जीरा का फ्लेवर इसमें काफ़ी बेहतरीन आती है, तो इसमें आप ज़रूर लें। और साथ में देखिए 2 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन का क्रश किया हुआ इसमें हम डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने 4 हरी मिर्च लिए थे, 2 लाल 2 हरी, जिसे मैंने एकदम बारीक सा चॉप करके ले लिए हैं, तो इसे भी हम सारा इसमें हम डाल देंगे। तो ये हरी मिर्च आप अपने तीखा अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। और इसे अच्छे से चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। और दोस्तों ये हरी मिर्च और लाल मिर्च का आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखती है, तो आप इस तरह से भी ज़रूर ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए हमारी हरी मिर्च बहुत ही अच्छे से भून गई है। तब इसमें हम 1 मीडियम साइज का एकदम बारीक से चॉप किया हुआ देखिए लाल टमाटर ऐड करेंगे। पहले टमाटर को आप अच्छे से भून लीजिए, उसके बाद इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है तो फटाफट से ये रेसिपी को अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली में जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज की जो ये फ्राइड राइस बन रही है बच्चों से लेकर बड़ों तक फटाफट से कोई भी आसानी से बना सकता है। और ये सोया राइस को बनाना बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है दोस्तों। तब यहाँ देखिए 2 मीडियम साइज के स्लाइस में कटा हुआ अब इसमें हम प्याज को डाल देंगे। और यहाँ प्याज को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। लेकिन आज मैंने टमाटर के भुनने के बाद ये प्याज को ऐड किया है, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो फ्राइड राइस में बहुत ही बढ़िया सी आती है। तो यह प्याज को हम हल्का सा लाल होने तक फ्राई करेंगे। अगर आप इस तरह से फ्राई करते हैं तो बहुत ही बढ़िया से इसमें से खुशबू आती है, इससे आपका फ्राइड राइस काफ़ी फ्लेवरफुल बनती है। तो यह प्याज को हमें हल्का सा लाल और हल्का सा क्रंची होने तक यहाँ फ्राई करना है। प्याज हमारा हल्का सा क्रंचीपन रहना चाहिए, जिससे कि आपकी जो फ्राइड राइस है वो काफ़ी फ्लेवरफुल तो बनती है और साथ में काफ़ी टेस्ट भी आता है इससे। और ये देखिए प्याज हमारा क्रंचीपन होने तक अच्छे से भुन गया है। तब इसमें हम ये थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, और साथ में देखिए थोड़ा सा हम इसमें किचन किंग मसाला डाल देंगे। किचन किंग मसाला से काफ़ी चटपटा से इसमें से फ्लेवर आती है और इससे काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट भी आती है। और 1/2 चम्मच इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करना है। अगर आप फ्राइड राइस में रेड चिली पाउडर लेना चाहते हैं तभी आप इसमें ऐड कीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच देखिए इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, बस थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा पाउडर हम इसमें डाल देंगे। और अपने स्वाद अनुसार इसमें आप नमक ऐड कर लीजिए, और थोड़ा सा इसमें हम ऊपर से हींग पाउडर डाल देंगे। बस इसमें हमें इतने ही मसाले की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इसमें जितने भी मसाले डाले हैं वो हम सभी के घर में ये मसाले अवेलेबल रहती हैं, तो आपको कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा मसाले लेने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। बस घर में जो भी आपके मसाले हैं उसी से आप ये सोया चंक्स फ्राइड राइस को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारे मसाले इसमें बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं, तब इसमें हम ये सोया चंक्स को डाल देंगे। मसाले भुनने के बाद इसमें से बहुत ही सौंधी से खुशबू आती है, तब इसमें आप ये सारा सोया चंक्स को इसमें डाल दीजिए। और मसाले के साथ ये सोया को भी डालकर 1-2 मिनट के लिए इसे भी हम बढ़िया से भून लेंगे। सोया हमारी काफ़ी जूसी रहती है, तो इसे आप मसालों के साथ अच्छे से भून लीजिए। अगर हम ओनली चावल से ये फ्राइड राइस को बनाते हैं तो ऐसे कोई खाता नहीं है, और अगर इसमें हम थोड़ा सोया को डालकर बनाएंगे तो सभी झटपट से एक ही बार में खा लेते हैं। इसीलिए आप एक बार ये सोया को डालकर ज़रूर बनाइए, एकदम आप पेट भरकर ये फ्राइड राइस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।
और ये लीजिए सोया के साथ हमारी सभी चीज़ें एकदम इसमें बढ़िया से भुन गई है। तब इसमें हम ये बची हुई खिले खिले राइस को ऐड करेंगे और यहाँ गैस का फ्लेम बिल्कुल पूरी तरह से लो रखना है। अब हल्के हाथों से सभी चीज़ों को एकदम बढ़िया से चलाती हुई राइस में एकदम बढ़िया से इसमें मिलाइए। तब यहाँ पे हम गैस को पूरी तरह से ऑफ कर देंगे। तब इसमें हम डालेंगे देखिए ये थोड़ा सा काजू। तब यहाँ पे देखिए इसमें हम थोड़ा सा काजू डाल देंगे, इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा देखिए इस तरह से धनिया का पत्ती डाल देंगे, जो इससे काफ़ी बढ़िया सा खुशबू और फ्लेवर आती है, तो इसे आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिए। और ये देखिए दोस्तों बहुत ही कम मसालों से बने एकदम गर्मा गर्म हमारे ये सोया चंक्स फ्राइड राइस बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो है ना इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान, कोई भी कभी भी ये सोया फ्राइड राइस को आसानी से बनाकर खा सकता है। और ये टेस्टी के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी होती है और इसमें सोया डालने से ये काफ़ी प्रोटीन से भरपूर होती है। और ये लीजिए दोस्तों एकदम गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी हेल्दी और एकदम चटपटा सा ये हमारा सोया चंक्स फ्राइड राइस बनकर देख सकते हैं पूरी तरह से रेडी है। तो आप ये बचे हुए चावल से और घर में रखे मसालों से इतना चटपटा टेस्टी और लाजवाब से ये सोया चंक्स फ्राइड राइस को जिसे आप पेट भरकर खा भी सकते हैं या लंच बॉक्स हो गया या टिफिन बॉक्स के लिए बहुत ही जल्दी बनाकर ले जा सकते हैं। और ये काफ़ी प्रोटीन से भरपूर भी बनती है। तो एक बार इस तरह से ये सोया चंक्स फ्राइड राइस को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा आज की रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो तो फटाफट से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इतना टेस्टी हेल्दी प्रोटीन से भरपूर आज की ये सोया चंक्स फ्राइड राइस की रेसिपी आज आपको कैसी लगी।